हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ के पीरियडिक असेसमेंट को सॉल्व करेंगे तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन वन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क राइट टू द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे और जो सही है उसके सामने राइट मार्क करेंगे फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड सेटेलाइट इनमें से कौन सी जो है मैन मेड सेटेलाइट है तो ऑप्शन हैं मून अर्थ सन स्पूतनिक करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्पूतनिक जो है वो मैन मेड सेटेलाइट है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इंडिया में किस दिन रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन आर ट्वेंटी सिक्स जनवरी फिफ्टींथ ऑफ अगस्त सेकेंड अक्टूबर फोर्टीन ऑफ फरवरी करेक्ट आंसर है ट्वेंटी जनवरी नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं फर्स्ट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सेटेलाइट सेंट बाय इंडिया वॉज इंडिया द्वारा भेजी गई पहली सेटेलाइट का नाम है इनसेट वन बी तो यहां पर लिखेंगे इनसेट वन बी नेक्स्ट इज मेड सच अवज काइट किसने जो है एक ऐसी विशाल काइट बनाई बाय होल्डिंग विच पीपल कुड फ्लाई जिसे पकड़ कर लोग उड़ सकते थे तो किसने बनाई थी चाइना कंट्री ने नेक्स्ट इज देर इज अ मिलिट्री रूल इन कंट्री किस कंट्री में जो है मिलिट्री रूल है इट मीन सैनिक शासन है तो किस में है म्यांमार में नेक्स्ट इज द नेशनल सिंबल ऑफ आर कंट्री इज हमारे देश का नेशनल सिंबल जो है वो कौन सा है तो हमारे देश का नेशनल सिंबल है लायन इंस्क्राइब्ड ऑन द आयरन पिलर ऑफ अशोका अशोक का जो आयरन पिलर है उस पर अंकित सिंह जो, जो है वो हमारा नेशनल सिंबल है नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी करेक्टली यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है कल्पना चावला कौन है एस्ट्रोनॉट है तो इसके साथ मैच करेंगे एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री नेक्स्ट इज हिटलर तो हिटलर जो है कहां का राजा था जर्मनी का शासक था नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन तो किसे कहते हैं बुक ऑफ रूल्स नियमों की किताब को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं नेक्स्ट है गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट एक सिस्टम है तो इसके साथ मैच करेंगे अब ये क्वेश्चन फोर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस ओनली यहां पर या तो वन वर्ड में या फिर वन सेंटेंस में आपको आंसर देना है क्वेश्चन का क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके की गवर्नमेंट है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो यहाँ लिखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नेक्स्ट इज वॉट वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू रीच ऑन मून मून पर पहुंचने वाले फर्स्ट पर्सन का आपको यहाँ नाम लिखना है तो कौन गए थे नील आम स्ट्रांग नेक्स्ट इज विच इज द फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड वर्ल्ड में सबसे तीव्र गति से चलने वाला एयरक्राफ्ट कौन सा है तो कौन सा है कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वॉट इज द फंक्शन ऑफ ज्यूडिशियरी ज्यूडिशरी का जो फंक्शन है कार्य है वो क्या है तो क्या है ज्यूडिशरी गिव्स जस्टिस यानी कि ये न्याय देती है अब यह क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टेटमेंट्स इज वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं स्टेटमेंट इज डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी का मतलब होता है द रूल ऑफ द पीपल लोगों का शासन तो अब आपको बताना है लोगों का शासन जो है इसका क्या अर्थ है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कहते हैं लोकतंत्र को तो डेमोक्रेसी का मीनिंग है रूल ऑफ द पीपल लोगों का रूल यानी कि लोगों का शासन इन डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में द पीपल पार्टिसिपेट इन द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन एनी फॉर्म डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो गवर्नमेंट सिस्टम में किसी भी रूप में पार्टिसिपेट करते हैं अब यहाँ क्वेश्चन है ज द फॉलोइंग पिक्चर ये जो पिक्चर है ये किसकी है वॉट इज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एयर ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है यानी कि योगदान है तो आप देख सकते हैं कौन है ये है वन ऑफ द राइट ब्रदर विद हिज एयरक्राफ्ट यहाँ पर जो राइट right ब्रदर दो भाई थे उनमें से एक अपने एयरक्राफ्ट के साथ हैं अब इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है एयरक्राफ्ट ब्रॉड द रेवोल्यूशनरी चेंज इन एयर ट्रांसपोर्ट इनके द्वारा बनाए गए एयरक्राफ्ट से एयर ट्रांसपोर्ट में बहुत ही रेवोल्यूशनरी परिवर्तन आया यानी कि चेंजेस आए बिग एयरक्राफ्ट कैरी पैसेंजर्स फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अनदर ऑफ द वर्ल्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम बहुत ही कम समय में इन्होंने जो एयरक्राफ्ट बनाए थे वो पैसेंजर्स को यानी कि जो यात्री थे उन्हें देश के एक कोने से यानी कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में बहुत ही शॉर्ट टाइम में ले जाते हैं अभी यहाँ पर क्वेश्चन है ड्रॉ एनी टू नेशनल सिंबल्स एंड कलर दें यहाँ पर आपको कोई भी दो नेशनल सिंबल बनाने हैं और उनमें कलर फिल करने हैं तो आप जो है अपनी चॉइस से किसी भी नेशनल सिंबल की यहाँ पिक्चर बना सकते हैं और उसमें कलर कर सकते हैं तो जैसे कि ये हमारी नेशनल बर्ड है पेकॉक यानी कि मोर जो है वो हमारा नेशनल बर्ड है और ये है नेशनल फ्रूट मैंगो तो आप अपनी चॉइस से कोई सा भी बना सकते हैं तो आप इसे इस तरीके से कंप्लीट करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में If you like this video, please like and share. And if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.